चलिए आइए हम लोग एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी तीन दोस्तों की है। किसकी है? तीन दोस्तों की। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे। कितने रंग थे? तीन ही रंग थे। कौन कौन रंग? लाल, पीला और नीला। यहां देखिए, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लाल कहाँ रहता था? हर लजीज, जो स्वादिष्ट वस्तु होती थी उसमें लाल रहता था। किसमें किसमें? जैसे टमाटर में, सेव में, चेरी और आलू बुखारे में, और भी बहुत सारी चीजों में लाल रंग होता है। और कौन कौन सा लाल रंग खाने वाला होता है बताइए? हाँ, तरबूज का अंदर वाला लाल होता है ना, मीठा होता है इसलिए। और बताइए, वाटरमेलन, वही वाटरमेलन। और बताइए कोई, पाइनएप्पल? नहीं, संतरा तो नारंगी कलर का होता है। एप्पल, तो एप्पल का नाम इसमें आ गया है। चेरी भी इसमें आ गया है, और भी बहुत सारी लाल लाल चीजों में। आप देखिए, यस लीची। अब देखिए, पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। पीले रंग ने क्या बनाया था? केला पीला होता, बहुत अच्छे। जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। रोशनी क्या होता है भाई? रोशनी क्या होता है? धूप, उजाला। रोशनी क्या होता है? उजाला। कौन देता है उजाला? सूरज। कब देते हैं? सुबह को, पूरे दिन, है ना? जब सूरज मामा सामने होते हैं तो क्या होता है? उजाला रहता है, दिन रहता है। और जैसे ही सूरज छुप जाते हैं क्या हो जाता है? रात हो जाती है। आसमान भी नीला था। आसमान कैसा होता है? नीला। और समुंदर भी क्या होता है? नीला होता है। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। जब बारिश होता है पेड़ से बूंद टपकता है ना? हाँ, तो कैसा होता है बूंद? वो नीला होता है। और समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। समुद्र का रंग भी नीला होता है। और आसमान कहाँ है? आसमान देखे आप लोग, कहाँ होता है? ऊपर होता है ना? और नीला नीला होता है। कैसा होता है? नीला नीला। वास्तव में आसमान शून्य होता है, कुछ होता नहीं है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे और ऊपर दिखाई देता है ना? तो आसमान किस रंग का होता है? हाँ, आसमान किस रंग का होता है? नीले रंग का। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, किसने कहा? लाल नीले ने कहा। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए। क्या चाहिए? और दोस्त चाहिए। चलो नए दोस्त बनाएं। अब वो तीनों ने क्या सोचा? चलो नए दोस्त बनाते हैं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। कहां निकल पड़े? और देखो क्या हुआ, फिर देखिए क्या होता है। लाल और पीला साथ चले। कौन कौन साथ चले? पीला। तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। हाँ, कौन सा दोस्त मिला? नारंगी। किसके किसके मिलने से बना? लाल और पीला के मिलने से बना, ठीक है। उसके बाद पीले और नीले ने हाथ मिलाया। किसने किसने हाथ मिलाया? पीले और नीले ने। तो एक नया दोस्त मिला हरा। एक नया दोस्त मिला हरा। अब बताइए, पीला और नीला मिलने से कौन सा रंग बना? हरा। बहुत अच्छे। कौन सा रंग बना? हरा रंग बना। उसके बाद देखिए,
लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, कौन सा हो सकता है? बैगनी। बहुत अच्छे। लाल और नीले के पास आने से कौन सा रंग बना? बैगनी। कौन सा रंग बना? बैगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इन तीनों रंगों ने मिलकर के दुनिया को क्या बना दिया? दोस्ताना और रंगीन बना दिया। और अब बताइए कुल कितने रंग हो गए? हाँ हाँ, छह रंग हो गए। कितने रंग हो गए? हाँ, ताली बजा दिए धीरज के लिए सभी लोग और उनके लिए युवराज के लिए। बहुत अच्छे, दोनों लोगों ने बता दिया कौन कौन सा रंग हो गया। अब बताइए गिन करके। हाँ बताइए कौन कौन सा रंग? बैगनी, हाँ, नीला, हाँ, और नीला, हाँ नीला, और एक तो भूल रहे हैं, और एक तो बताइए। हाँ बैगनी, हाँ नीला, हाँ बैगनी, हाँ नीला, हाँ हाँ हाँ। चलिए आप बताइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप छह रंग का नाम बताइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, लाल एक बार बोल चुके हैं। हाँ नीला। अच्छा, ये क्यों भूल जा रहे हैं? क्योंकि ये उंगली पर गिन करके छह रंग नहीं बता रहे हैं, इसलिए भूल जा रहे हैं। और कोई बताएगा छह रंग का नाम? यस, हाँ आप बताइए। हाँ नीला, लाल, पीला, हाँ हाँ, बैगनी, हाँ, और एक भूल रहे हैं, ऑरेंज, ऑरेंज, नारंगी। ताली बजा दीजिए भाई सब लोग इनके लिए, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रकार सभी लोग दोस्ताना व्यवहार करेंगे ना? करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, है ना? तो सबके लिए हो जाए ताली। बहुत अच्छे।